हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सावन स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब सावन में मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, बट मैंने वो नहीं विश नहीं किया था, तो इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि सावन में सब लोग बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से सावन का आनंद भी उठा रहे होंगे। सावन में तो बारिश आप जानते ही हैं कि ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बट इस बार थोड़ी कम हो रही है, पर फिर भी हो ही रही है। मतलब कल से तो कंटिन्यू बारिश चली रही है और आज डे है संडे, और तो मैंने सोचा कि मैं अपने संडे के दिन मॉर्निंग में मेरा जो भी रूटीन रहता है, किस तरीके से रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने उसी का वीडियो अपना पूरा शूट किया। और संडे के दिन तो मतलब मेरा मॉर्निंग से लेके कम से कम 2 बजे तक कह सकते हैं, इतना ज़्यादा रूटीन बिजी रहता है कि अब मैं क्या ही बताऊं। और सुबह का मतलब एक हफ्ते में जितना जो सामान फैला रहता है वो सब मैं इकट्ठा करती हूँ, और पूरे दिन बहुत अच्छे से मतलब पूरे डीप क्लीनिंग होती है ना, वो सारा मैं संडे के दिन ही करती हूँ, क्योंकि बाकी के दिन स्कूल होते हैं, ट्यूशन होते हैं, ये सब, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता इतना प्रॉपर, सब तो भागम भाग में और जल्दबाजी में होता है। और गाइज, आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, एक्चुअली आवाज़ ना बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब हो गई है और बिल्कुल भी अच्छी, मतलब ऐसे लग रहा है कि गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही है, मैं जैसे खींच। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अभी पिछले वाले रूम में काफ़ी मतलब कपड़े वगैरह जो फैले हुए थे वो सभी इकट्ठे करके फोल्ड करके और अच्छे से अलमीरा में मैंने रख दिया है, और बाकी कुछ कपड़े बच्चों के जो होते हैं ना, मैं ये छोटी सी अटैची है ना, इसके अंदर ही रखती हूँ। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं तो अलमारी में फिर ना मिक्स हो जाते हैं, तो मिल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, छोटी अटैची के अंदर और बच्चों के कपड़े रखती हूँ, और अलमारी में मेरे और मेरे हस्बैंड के होते हैं, और बाकी इनके वैसे अगर पार्टी वियर हैं तो वो अलमारी में रहते हैं, बट डेली यूज़ के मैं उसी में छोटी अटैची में ही रख देती हूँ। और अब मैंने क्या, रख दिया है और आप देख सकते हो। और इसी तरीके से मैंने पूरे घर में अच्छे से थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, कोने कोने में जो भी रहता है ना, तो डेली तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए एक संडे ही होता है जिस दिन इंसान अच्छे से फ्री माइंड में सफाई और जो भी काम है वो सब हम निपटा सकते हैं, तो इसीलिए मैं संडे का दिन ही चूज़ करती हूँ। और चूज़ क्या करना है, मतलब टाइम भी इसी दिन ही मिल पाता है, तो मैं इसीलिए ना इस दिन ही पूरा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और मैंने इसको अच्छे से लगा के बाकी सब जो था, तो मैंने एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया है, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह अगर जम जाता है तो वो सब क्लीन हो जाता है। और किचन में ऑलमोस्ट सफाई अभी हो ही रखी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी कूलर के ऊपर मैंने डस्टिंग कर दी है और सारा कुछ सामान तो अरेंज हो ही रखा था, ये सब मेरी बुक्स और यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग वगैरह ये सारा कुछ रहता है, तो सारा यहीं पे इकट्ठा रहता है। और बस अब मैं क्या करूँगी कि सारा जो भी था सेटिंग वगैरह लगा दी है, और अब बस मेरे को झाड़ू लगा के पोछा लगाना था, तो अब मैंने ना झाड़ू स्टार्ट कर लिया। झाड़ू लगाने में पूरा मेरे घर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा चला जाता है, तो इसको मैं अच्छे से, अब पोछा भी लगाना है तो हो गया ठीक है, थोड़ा इतना ज़्यादा अभी तो दिख तो रहा है कि इतना ज़्यादा कचरा नहीं है, बट एक्चुअली में बच्चे कागज़ वागज फाड़ वाड़ के इतना ज़्यादा कचरा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, और शाम को भी झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि शाम को तो हो गया अब क्या ही लगाना, सुबह से सारे स्कूल चले जाते हैं, शाम को ही आते हैं, शाम को ट्यूशन वगैरह, तो गंदा तो ज़्यादा घर होता ही नहीं है, तो इसीलिए शाम को झाड़ू की कोई नीड ही नहीं होती है, तो इसीलिए इकट्ठे मॉर्निंग में ही लगती है। बाकी मैं क्या करती हूँ, डेली किचन में और ये डाइनिंग एरिया होता है ना, यहाँ पे पोछा डेली कर देती हूँ, बाकी और जगह पे मैं नहीं करती हूँ, और जगह मैं पूरे घर
में तो वैसे भी अलग से ही लगता है, तो मंदिर में तो ना ही झाड़ू लगता है ना पोछा लगता है। दूसरी बस एक सिंपल कपड़े से मैं क्लीन कर देती हूँ मंदिर में, ये वाला झाड़ू और पोछा नहीं लेके जाती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इसको फिर पूरे घर में अच्छे से मैं अभी पोछा लगा दूँगी और बस थोड़ा साफ ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और जब भी मैं शैम्पू लगा मतलब क्या बोल रही हूँ, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो क्या करती हूँ मैं ना थोड़ा सा शैम्पू पाउच वाला डाल लेती हूँ, उससे अच्छी खुशबू रहती है। सनसिल्क का इस समय एक्चुअली लाइजोल ख़त्म हो रखा है तो इसीलिए अभी वाला तो उससे भी अच्छा रहता है। और बाकी यहाँ पे ना कूलर रखा रहता है, कूलर का पानी गिर गिर के आप देख सकते हो कितना जिद्दी दाग हो गया है और इसको बड़ी मुश्किल से हटाने में बड़ी परेशानी आ रही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना एसिड मंगाया था और एसिड को क्या करना है, जहाँ जहाँ दाग है ना इसको अच्छे से लगा के आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद जो बर्तन मांजने वाला मैजिक होता है आप इससे बहुत अच्छे से रगड़ दो। अगर टाइल्स में कितना भी जिद्दी दाग है, चाहे सिलेंडर के का दाग है या कूलर में पानी वानी गिरने की वजह से है, तो ये सारा बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा और आप पोछा के बाद आप देखना कितना अच्छा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे खिड़की में भी थोड़ा सा दाग लग गया था तो मैंने ये सब भी मैंने सोचा लगे हाथ में ये सारा भी क्लीन कर देती हूँ। तो अभी आप देखो कितना अच्छा बिल्कुल कूलर को हटा के, और ये देखो एकदम से जितना भी ये दाग वैसे तो हट ही नहीं सकता था कितना भी आप इसको माज लो कुछ भी, बट ना ऐसे डाल के आप इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो और उसके बाद फिर आप इसको हटाओ, ये देखो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, चमक जाएगी टाइल्स। तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। और ये सारे ये दाग हटाने के बाद अब मैं बाहर वाले गेस्ट रूम में आ गई थी और यहाँ पर थोड़ा पोछा लगाने में परेशानी होती है, पूरा अंदर से लगाते हुए इधर आई और इस कमरे में लगाने में परेशानी, सोफ़ा और टेबल और तखत वखत रहता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, बट ठीक है जैसे तैसे लग गया है। और बाकी अब मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग का रूटीन कुछ इस तरीके से रहता है, इसके बाद अब मैं नहाऊँगी और बस फिर उसके बाद खाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग देखते रहें। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और बस पोर्च में क्या था, मैंने पहले ही झाड़ू मार दिया था और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, बारिश जैसा पूरे दिन ऐसे लगा बारिश आएगी बट आई नहीं है और ऐसा मौसम बना हुआ था बट बहुत अच्छा मौसम था। और बस मैं यहाँ पोर्च में क्लीनिंग कर दूँगी, इसके बाद मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो जाएगा और इसके बाद बस मैं जाके नहा लूँगी। सो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।